हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं चावल के पापड़। ये पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और 2 गिलास चावल से ढेर सारे पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। इनको हम एक बार बना के पूरे साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 गिलास चावल ले लिए हैं और इनको मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल लिया है और मैंने इस गिलास से मेजरमेंट किया है। इस गिलास से मैंने 2 गिलास चावल लिए थे। आप इसको किसी चीज़ से मेजरमेंट ज़रूर करें। यहाँ मैंने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच पापड़ खार और 1 चम्मच नमक ले लिया है। सबसे पहले हम एक भगोला लेंगे थोड़े बड़े साइज का और उसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी हम इसमें डाल देंगे जीरा और जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे। जीरा थोड़ा सा चटक जाए तभी हम इसमें डाल देंगे ये चावल जो हमने भिगो के धो के ले लिए हैं। भिगोने के बाद इसके बाद हमने इसको 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब चावल को हम तेल के अंदर थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। इस टाइप से हम पापड़ बनाते हैं ना, तो पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, उनका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होते हैं। और ये हमने एक पानी की गिलास ली है, जिस गिलास से मैंने चावल डाले थे ना उसी गिलास से हम पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिए थे। 1 गिलास चावल के लिए हमें 5 गिलास पानी डालना होता है। तो यहाँ मैंने 2 गिलास लिए थे ना चावल, तो मैंने 10 गिलास पानी डाल दिया है। आप जिस कोई भी चीज़ से मेजरमेंट करें ना उसका 5 गुना हमें पानी लेना है। चाहे आप कटोरी से चावल ले रहे हो तो उसी कटोरी से हमें 5 कटोरी पानी डालना है। किसी चीज़ से आप जो बर्तन से मेजरमेंट करें ना उसका ध्यान रखना। अब हम पानी डालने के बाद इसमें डाल देंगे अजवाइन, पापड़ खार, 2 चम्मच मैंने पापड़ खार लिए हैं और 1 चम्मच डालेंगे हम नमक। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे बाजार के पापड़ होते हैं ना उनके अंदर ये जो पापड़ खार होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, वो थोड़े ऐसे खाने में कड़वे लगते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। मुझे थोड़ा सा कम खार वाला पसंद है तो मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है और नमक 1 चम्मच डाला है। आप इसका पानी है ना उसको टेस्ट करके और भी इसका बढ़ा सकते हो, नमक वगैरह कम लगे ना तो उसको ये पानी है ना चम्मच से थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आँच को मीडियम रखेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, इसमें एक उबाल आने देंगे। ढक्कन लगाने से उबाल जल्दी आ जाएगा। तो देखिए इसके अंदर उबाल आ गया है, चावल अच्छे से पक रहे हैं। तो अभी हम ढक्कन हटा देंगे क्योंकि वरना ये उफन के बाहर आ जाएंगे, इसलिए अब आँच को धीमी रखेंगे और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि चावल को हमें पूरी तरह से गलाना है, इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। यदि आपके पास बड़ा प्रेशर कुकर है तो आप उसके अंदर भी इनको गला सकते हैं। उनके अंदर तो हम 4 से 5 सीटी लगाएंगे ना तो फटाफट से ये अच्छे से गल जाएंगे। और ये खुले बर्तन में हम पकाते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये पानी सोखने के बाद हमें थोड़ा लगातार इसको चलाते रहना है क्योंकि ये तले में लग जाएगा तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल हल्के हल्के दाने इसमें दिख रहे हैं, लेकिन वो दाने अच्छे लगेंगे हमें पापड़ के अंदर। जब हम इसको फ्राई करके खाएंगे ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। अभी हम इसको नीचे रख देते हैं और थोड़ा सा हम इसको अलग निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो एक बार हम इतना ही निकालते हैं, बाकी को हम ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि जो बाकी पीछे बचा है ना वो ठंडा नहीं हो। हमें हल्का ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है और पूरी तरह से इसको ठंडा भी नहीं करना है। तो अभी हम इसको हल्का ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसके पापड़ बनाएंगे। ये पापड़ बनाने में बहुत ही आसान है। जैसे हम घर में कम सदस्य हैं और हमें अकेले को भी पापड़ बनाना है ना तो ये पापड़ हम आराम से बना सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक पोलोथीन ले ली है, जो बेस वगैरह पैक करते हैं ना वही वाली पोलोथीन ली है मैंने। और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत सारा ऑयल लगा के पापड़ बेलते हैं तो उससे क्या होता है पापड़ बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
और वो थोड़े से कड़क भी हो जाते हैं। लगता है ना कभी कभी हम पापड़ बनाते हैं तो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, मतलब इतने क्रंची से नहीं रहते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि उसमें ऑयल हम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। इससे क्या होता है, लंबे समय तक हमारे पापड़ पड़े रहते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी ऑयल की इस तरह से स्मेल भी आने लग जाती है। अभी दूसरी साइड से हम इसके ऊपर लगा के इसको, कोई भी बर्तन चकला ले सकते हैं, प्लेट कोई भी लेके उसको हल्का सा ऊपर से दबाएंगे तो ये हमारा पापड़ अच्छे से बन जाएगा। और आपको लग रहा है कि कई किनारों से थोड़ा मोटा लग रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर हाथ इस तरह से घुमा दीजिए, तो ये एकदम पूरी तरह बराबर हमारा पापड़ बनके तैयार होगा। तो अभी मैंने यहाँ एक प्लास्टिक की सीट बिछा ली है और उसके ऊपर हम ये पापड़ डाल देंगे। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको डाल दिया है मैनिए के ऊपर। अब इस तरह हम सारे पापड़ बना के तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत गीला है ना थोड़ा, तो इस तरह से हम प्लेट से इसको हल्का सा दबाएंगे ना तो हमारा पापड़ अपना फैल जाएगा। और कितने कम चावल में हमारे कितने सारे पापड़ बनके तैयार होंगे, बहुत ही आसान है। और इसके अंदर आप अलग तरीके से आप थोड़ा बनाना चाहते हो तो इसके अंदर आप पालक भी मिला सकते हैं, पालक के पापड़ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप थोड़ा सा पालक को बॉईल कर लीजिए और उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, और हरी मिर्च जो होती है ना, हरी जो लाल वाली मिर्च होती है, उसको बारीक बारीक काट के या फिर थोड़ी सी पीस के वो भी डाल सकते हैं, उससे भी पापड़ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इन पापड़ को एक बार बना के पूरे साल भर तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है, कभी भी इनको खा सकते हैं। तो 2-3 दिन की धूप लगाने के बाद पापड़ हमारे सूख के तैयार हो जाते हैं और इनको हम फ्राई करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।